हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिविटीज़ ऑफ एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, इंग्लिश 10th क्लास, थर्ड लैंग्वेज। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़। से वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी दिए गए जो स्टेटमेंट है इससे एग्री है या डिसएग्री है, यानी ये सही है या गलत है। द कंपाउंड वेयर द राइटर वॉज लिविंग वॉज रिच इन नेचर्स बाउंटी, इसका आंसर दिया हुआ है डायरेक्ट, जहाँ पर राइटर रहा करता था वो फितरत से भरा हुआ था, यानी वहाँ पर खूबसूरती थी, नेचर्स बाउंटी थी वहाँ पर। एग्री है, यस एग्री। हॉलीडे प्रोवाइड्स द चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स, छुट्टियों में बच्चों को एक मौका मिल जाता है कि वो अलग अलग किस्म की मैगजीन और स्टोरी बुक्स पढ़ें। आप एग्री है या डिसएग्री? बिल्कुल एग्री है। द इंसिडेंट अकर्ड ड्यूरिंग समर वैकेशन, ये जो वाक़या हुआ था ये समर वैकेशन में हुआ था। एग्री है, डिसएग्री है? डिसएग्री, क्योंकि ये दुर्गा पूजा के टाइम पे हुआ था जो समर में नहीं आता। फोर्थ वाला है, मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स वेयर पब्लिश्ड स्पेशली फॉर एडल्ट्स इन द फेस्टिव सीजन, मैगजीन और स्टोरी बुक जो है ये ख़ास तौर पर जवानों के लिए फेस्टिव सीजन में बनाई जाती है। एग्री है कि डिसएग्री है? डिसएग्री, नहीं, ये बच्चों के लिए बनाई जाती है, फॉर द किड्स, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द स्टूडेंट्स। राइटर्स फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, राइटर के जो वालिद थे वो मेडिकल प्रोफेशनल थे, सही है। एग्री, डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड A2 नंबर का एक्टिविटी है, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, यानी एक फ्रेज है उसका मीनिंग सामने दिया हुआ है, वो कौन सा आपका आंसर हो सकता है। टू बी एनग्रॉस्ड इन, सेटल डाउन विथ, अनफोल्डेड अ न्यू डायमेंशन, अब यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गेट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, पेंड अप अ न्यू एस्पेक्ट, टू बी एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग, वॉज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड इन, अब इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले का आंसर है पार्ट एंड पार्सल ऑफ, टू बी एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग, टू बी एनग्रॉस्ड इन, वॉज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड इन, सेटल डाउन, सेटल डाउन विथ, गेट इन टू अ कम्फर्टेबल पोजिशन, अनफोल्डेड अ न्यू डायमेंशन, पेंड अप अ न्यू एस्पेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन A3 एक्टिविटी, मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग्स, दीज आर द एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकैबलरी, वोकैबलरी के ऊपर बेस है, मैं वर्ड्स मीनिंग है। हार्टी, हार्टी सफिशियंट एंड होलसम, एनग्रॉस्ड, अब देखिए इसके आंसर्स इसमें दिए हुए नेक्स्ट क्लिप में, पहले आप गेस कर लीजिए। एनग्रॉस्ड, इंटरमिटेंट, श्रिल, फ्रिक्वेंट, सफिशियंट एंड होलसम, हाई पिच्ड, इन फुल अटेंशन। चलिए इसके आंसर्स में बताता हूँ, हार्टी, सफिशियंट एंड होलसम, एनग्रॉस्ड, इन फुल अटेंशन, इंटरमिटेंट, फ्रिक्वेंट, श्रिल, हाई पिच्ड, ये इसके आंसर्स है। नेक्स्ट वाला एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर टू A1, ट्रू और फॉल्स, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी सही है या गलत है। डायरेक्ट आंसर दिए हुए हैं, अ बिग मेल लंगूर डिड नॉट इंटेंड टू किल द बेबी लंगूर, बड़ा जो लंगूर था, मेल लंगूर था, वो बेबी लंगूर को मारना नहीं चाहता था। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। द राइटर स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स एट द बिग लंगूर, राइटर ने बड़े लंगूर के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, पथराव शुरू कर दिया था। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। द मदर लंगूर वॉज वॉचिंग हर बेबी बींग किल्ड, मदर लंगूर जो है वो देख रही थी कि उसके बच्चे को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, सही है गलत है? ट्रू। अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ एनिमल क्लान, अ डोमिनेंट मेल प्रोटेक्ट्स अनदर मेल बेबी और अडल्ट, ये जानवरों के एक कुंबे की रिवायत के मुताबिक, कस्टम रिवायत रसम, एनिमल क्लान जानवरों का बड़ा कुंबा खानदान, अ डोमिनेंट मेल एक जो डोमिनेंट मेल होता है, बड़ा मेल होता है, लीडर होता है, प्रोटेक्ट्स अनदर मेल बेबी और अडल्ट, वो दूसरे नर बच्चों की हिफाजत करता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, ए टू नंबर की एक्टिविटी है, राइट द एंटोनिम्स, राइट फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। एंटोनिम्स क्या होता है? अपोजिट वर्ड होता है। मर्सीफुली, सबमिसिव, रिकग्नाइज, ग्रेटर। क्या आंसर हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ए टू के आंसर्स है, ए मर्सीफुली, मर्सीलेसली, सबमिसिव, एग्रेसिव, रिकग्नाइज, इग्नोर, ग्रेटर, लेसर। चलिए ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू, ए थ्री नंबर एक्टिविटी है, मैच द फ्रेजेस, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी का ही पार्ट है। मैच द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए, टू टेक द नोटिस ऑफ, गॉट द बेटर ऑफ, पिच ऑफ क्राय, वाज गोइंग ऑन। इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं? इसमें से ढूंढना है, ओवर पावर्ड समथिंग, सम वन, वॉज हैपनिंग, टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन, हाई साउंड ऑफ क्राय। देखिए आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर टू ए थ्री, टू टेक नोटिस ऑफ, टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन, गॉट द बेटर ऑफ, ओवर पावर्ड सम वन, पिच ऑफ क्राय, हाई साउंड ऑफ क्राय, वॉज गोइंग ऑन, वॉज हैपनिंग। ठीक है, चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए वन नंबर की एक्टिविटी है, कंप्लीट द वेब डायग्राम, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। अब यह क्वेश्चन जैसा है कि दिया था, उसके आंसर लिखना था। व्हाट अटेम्प्ट्स मेड हेल्प द बेबी लंगूर टू रिवाइव, यानी बेबी लंगूर को वापस आने, जिंदा होने में कौन कौन से अटेम्प्ट्स हुए, कौन सी हरकतें की गई, कौन से काम किए गए। द राइटर कॉट होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल एंड सेफली टुक हिम इनसाइड द पोल्ट्री कूप इन देयर बैकयार्ड। राइटर ने क्या करा था? बेबी लंगूर को दुम से पकड़ लिया था और उसे गिरने नहीं दिया, बाद में उसे पोल्ट्री के जंगले में या जाले में ले जाकर, उसने बैकयार्ड में ले जाकर उसे रखा। द राइटर्स फादर गेव हिम फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। राइटर के फादर ने क्या किया? फर्स्ट एड दिया और उसके ज़ख्म की सफाई की ताकि खून रुक जाए। द राइटर स्प्लैश कोल्ड वाटर ऑन द बेबीज बॉडी एंड मेड हिम सिट अप। राइटर ने क्या किया? ठंडे पानी के छींटे मारे बेबी लंगूर के जिस्म पे ताकि वो जाग जाए। ही ऑफर्ड हिम पील्ड बनाना विच ही एक्सेप्टेड एंड एट अप। उसके बाद राइटर ने क्या किया? उसे पका हुआ एक केला दिया और जिसे उसने कबूल कर लिया, ले लिया और खा लिया। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए टू मैच द वर्ड्स एंड मीनिंग्स, शेकी, वेल्ड अप, प्रॉस्पेक्ट एंड मफल्ड। अब इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं? रोज टू द सरफेस, मेड द साउंड क्वाइटियर, अनस्टेडी एंड फ्यूचर बेनिफिट्स। देखिए इसके आंसर क्या है? शेकी, अनस्टेडी, वेल्ड अप, रोज टू द सरफेस, प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर बेनिफिट, मफल्ड, मेड द साउंड क्वाइटियर। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए फोर मैच द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? हम मानी लव्स, सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। ट्रामा, कूप, स्टिर, मोशनलेस। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, मूव, स्टिल, ग्रेट डिस्ट्रेस एंड पेन। अब देखिए इसका आंसर क्या है? ट्रामा, ग्रेट डिस्ट्रेस, कूप, पेन, स्टिर, मूव, मोशनलेस, स्टिल। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए फोर, फाइंड द वर्ड्स, यानी आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट, उसका आप मीनिंग निकालना है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग मीनिंग्स, हेल्ड क्लोजली, कडल्ड, अभी हम देखेंगे, मूव डाउनवर्ड्स, थिंक वेरी डीपली, कंफर्ट एंड पीस। देखिए आंसर, पहले का क्या है? कडल, दूसरे का डिसेंटेड और तीसरे का पॉन्डर, चौथे का सोलैस। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर पर्सनल रिस्पॉन्स है, हाउ विल यू हेल्प एन इंजर्ड बर्ड एनिमल, आप जख्मी परिंदे जानवर की किस तरह मदद करेंगे। अब इसका आंसर कैसा है? ये आमतौर पर पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। हाउ आई विल हेल्प एन इंजर्ड एनिमल, इफ आई फाइंड एन इंजर्ड एनिमल, अगर मैं जख्मी जानवर को ढूंढ लूँ, आई विल पिक इट अप टेंडरली एंड ब्रिंग इट टू माई होम केयरफुली, मैं उसे मेरे घर लेकर आऊँगा। आई विल पुट सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन हिज माउथ टू मेक इट फ्रेश, थोड़ा सा पानी पिलाऊँगा उसे ताकि उसे फ्रेश महसूस हो। आई विल एग्जामिन इट्स इंजरी एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट टू इट्स इंजर्ड पार्ट एंड बैंडेज इट विदाउट हर्टिंग इट, और मैं थोड़ा सा एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाऊंगा ताकि उसके ज़ख्मों को बैंडेज किया जा सके और उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा, तकलीफ़ नहीं दूंगा। व्हेन इट इज़ अ लिटिल बिट कम्फर्टेबल, अगर वो थोड़ा आराम महसूस करे, आई विल प्रोवाइड इट वाटर एंड फूड, मैं उसे खाना पानी दूंगा। देन आई शैल कीप इट इन स्मॉल बास्केट विथ कॉटन स्प्रेड ऑन इट,
उसके बाद मैं एक छोटी सी टोकरी में उसे रखूँगा जहाँ जिसमें कपास बिछी हुई हो, यानी उसे उसे आराम मिले। आई विल सी टू डैट इट इज़ सेफ इन द प्लेस, और मैं कोशिश करूँगा कि वो सेफ जगह पर रहे। आई विल टेक इट्स केयर टिल इट हैज़ एनफ स्ट्रेंथ और टिल इट इज़ फुल्ली रिकवर्ड फ्राम द इंजरी, और मैं उस वक्त तक ख्याल रखूँगा जब तक कि वो पूरी तरीके से ज़ख्मों से अच्छी तरह रिकवर ना हो जाए। अब देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर हमारी एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड की एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई। हमारे तौर पर तैयार की गई कुछ एक्टिविटीज़ थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले हम 3 वीडियो और बना चुके हैं। आपको अगर उसके बारे में और मालूम हासिल करना है, जो लोग नए आए हैं वो उस वीडियो में जाकर मालूम हासिल कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम एंड मे गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ में सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।